नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, सूर्य के राशि परिवर्तन का वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कन्या राशि से सूर्य देव आ जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य देव नीच के होते हैं। तुला राशि में सूर्य देव नीच के क्यों होते हैं, इसका एक सरल उत्तर ये है कि तुला राशि जो है पश्चिम दिशा की राशि होती है और काल पुरुष की कुंडली से पश्चिम दिशा में तुला राशि होती है, तो सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा में और सूर्य अगर सप्तम में होगा तो वो पश्चिम दिशा में होगा, इसलिए भी सूर्य तुला राशि में नीच का कहलाता है क्योंकि यहाँ सूर्य का बल नहीं रह जाता। सूर्य देव तुला राशि में आ रहे हैं और यहाँ मंगल यानी चित्रा, स्वाति का नक्षत्र राहु और विशाखा नक्षत्र के तीन चरण सूर्यदेव को मिलेंगे। सूर्यदेव एक राशि में रहते हैं 30 दिनों तक, एक महीने का समय होता है और सूर्य का राशि परिवर्तन राजनीति से जुड़े लोगों के लिए, सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए और ऐसे हर व्यक्ति के लिए जो सरकारी महकमे से जुड़ा होता है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। सूर्य का राशि परिवर्तन देश और राज्य के शासकों पर भी गहरा असर डालता है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है और सूर्य को जीवों की आत्मा भी कहा जाता है, यानी सभी ग्रहों का अधिष्ठाता व सर्वशक्तिमान कहा गया है सूर्य को। सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से त्रिलोक और अंतरिक्ष तथा सभी जीवों में व्याप्त होता है और चराचर जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे सूर्य की किरणों का असर ना पड़ता हो। सूर्य पिता के कारक, शासक और शासन तथा आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य को इस जगत की आत्मा कहा जाता है, इसलिए सूर्य का गोचर सिर्फ किसी देश या राज्य पर ही नहीं पूरे विश्व पर असर डालता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी, स्वभाव से क्षत्रिय और रत्न इसका माणिक्य होता है और सूर्य अस्थि का कारक कहलाते हैं। सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर हो तो जातक की हड्डी टूटने का खतरा बना रहता है। सरकारी नौकरी में परेशानी या सरकार से मतभेद और सरकारी अधिकारियों से भय तथा सम्मान हानि के योग बनते हैं अगर जन्म कुंडली में सूर्यदेव कमजोर हो तो। तो सूर्य का ये गोचर चूंकि डेबिलेटेड है सूर्य, यानी सूर्यदेव नीच होंगे इस गोचर के दौरान, तो विश्व के सभी देशों के राजाओं पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ने के योग बन रहे हैं। विशेष करके जिनकी सूर्य की महादशा चल रही होगी, वो साधारण व्यक्ति हो या कोई पावरफुल व्यक्ति हो या देश की गद्दी पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, किसी भी देश की सूर्य की दशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, अगर सिंह राशि के जातक अगर हैं आप, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए सूर्य देव का ये गोचर क्या फल लेकर आ सकता है या आ रहा है। तो सप्तम भाव में सूर्य देव का विचरण विवाहित जीवन में तनाव देता है और व्यवसाय में उतार चढ़ाव, लाभ हानि इत्यादि के योग बनाता है, यानी लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती है, दोनों आपको फेस करने होते हैं। और दाम्पत्य जीवन में परेशानी उनको ज्यादा होगी जिनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव कमजोर है, पाप ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है या सूर्य की दशा महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनको ज्यादा परेशानी होगी। क्रोध को इस वक्त आपको काबू में रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका थोड़ा बिगड़ सकता है गोचर की शुरुआत में और गोचर के मध्य में आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपके नेचर पर आपको कंट्रोल रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर से बचना है, ईगो से बचना है और थोड़ी सी ताकत अगर हाथ में है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि समय बदलते पता नहीं चलता।
गोचर के अंत में लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता, कर्म स्थान पे समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, धार्मिक क्रियाकलाप में थोड़ी वृद्धि के योग बनते हैं। वृष राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में सूर्यदेव का विचरण आर्थिक लाभ और शत्रुओं का नाश करता है, यानी आपके लिए सूर्यदेव का ये विचरण अच्छा इस मायने में भी रहने वाला है कि आपके विरोधी और आपके शत्रु परास्त होंगे और आप उन पे हावी रहेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। गोचर की शुरुआत में प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ और ऋण मुक्ति के योग बन रहे हैं। गोचर के मध्य में खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव, दांपत्य जीवन में अलगाव, दांपत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग और कोर्ट केसेस से आपने बचना है, मामला मुकदमा से आपने बचना है, नहीं तो आपको परेशानी ज्यादा होगी। गोचर के आखिर में वहां भी स्थिति ऐसी ही है कि आपको कोर्ट केसेस से बचना है, किसी प्रकार के गैर कानूनी काम से अगर लिप्त हैं तो आपको सावधान रहना है, नहीं तो आप इस वक्त फंस सकते हैं, किसी छोटे मोटी दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। बृहस्पति का मंत्र जाप या केले के वृक्ष की पूजा करें वृष राशि के जातक। मिथुन राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर पंचम भाव में होने वाला है। पंचम भाव में सूर्यदेव का गोचर जो है, यानी विचरण जो है, जातक को धन संबंधी परेशानी देता है और संतान संबंधी समस्या के सम्मुखीन आप हो सकते हैं। विशेष करके संतान अगर होने वाली है और आप स्त्री हैं या पुरुष भी हैं अगर, और आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव अगर खराब है, कमजोर है, बुरे इफेक्ट में है, बैड इफेक्ट में है, तो इस वक्त आपको संतान को लेकर सावधान रहना चाहिए, विशेष करके जिनकी डिलीवरी होने वाली है। जरा सी भी समस्या या ऊंच नीच को इग्नोर ना करें, देन एंड देयर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे वक्त पे ज्योतिष के पास मत दौड़े, मेडिकल साइंस की मदद लीजिए। गोचर की शुरुआत में प्रेम संबंधों में ब्रेकअप, प्रॉपर्टी संबंधी डील में फायदा और गोचर के मध्य में अचानक धन प्राप्ति, प्रेम संबंधों में सफलता, शेयर मार्केट से कुछ लाभ और अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। गोचर के अंत में पार्टनरशिप के काम में लाभ, संतान संबंधी खुशखबरी, स्वास्थ्य लाभ और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि तथा प्रेम संबंधों का विवाह संबंधों में तब्दील होने का योग बन रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव होंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्यदेव का विचरण डोमेस्टिक लाइफ में परेशानी देता है, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी देता है, यानी परिवार में तनाव, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। चौथे भाव में सूर्य देव का गोचर सम्मान हानि का योग बनाता है, तो थोड़ा सावधान आपने रहना है। गोचर की शुरुआत में छोटी यात्रा, वासस्थान में परिवर्तन, नए योगा योग, कर्म स्थान पे व्यस्तता, पिता के साथ अच्छे संबंध और नया प्रेम संबंध आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। गोचर के मध्य में राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय परेशानी वाला रहने वाला है और काफी व्यस्त भी आप रहेंगे। गोचर के अंत में जॉब मिल जाएगी आपको, अगर आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं तो, यानी नौकरी अगर आपके पास नहीं है और आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिलने का योग बन रहा है। पिता के साथ मनमुटाव के योग भी आपके बन रहे हैं। कर्म स्थान पे कुछ परेशानी होगी लेकिन आप उस परेशानी से उबर जाएंगे, निजात मिल जाएगी आपको। सिंह राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में सूर्यदेव का गोचर आर्थिक लाभ, साहस की वृद्धि और योगा योग के माध्यम से लाभ के योग बनाता है। गोचर की शुरुआत में सेविंग्स में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी के कामों से लाभ के योग बन रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा, धर्म कर्म, पूजा पाठ, ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी समय ये रहने वाला है। गोचर के मध्य में धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि होगी लेकिन ये धार्मिक क्रियाकलाप आप जो भी करेंगे वो सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे।
धार्मिक परंपराओं या सामाजिक परंपराओं की खिलाफत करके आप सामाजिक लोगों का कोपभाजन भी बन सकते हैं, यानी आपकी खिलाफत करेंगे लोग। गोचर के अंत में कर्म स्थान पे समस्या, उच्च शिक्षा में सफलता, लेकिन नौकरी छूट जाने के योग आपके बन रहे हैं। अगर प्राइवेट जॉब में है तो ज्यादा सावधान रहे, क्योंकि सरकारी नौकरी छूटती नहीं है जल्दी। सिंह राशि के जातक सूर्य देव का मंत्र जाप करें, सूर्य नमस्कार से दिन की शुरुआत करें तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कन्या राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे दूसरे भाव में, दूसरे भाव में सूर्य देव का विचरण धन के मामले में परेशानी देगा और एक अनजाने डर से आप भयभीत रहेंगे। रिश्ते नातेदारों के साथ मन मुटाव के योग बन रहे हैं। वाणी आपकी तीक्ष्ण व कड़ी हो सकती है। गोचर की शुरुआत में विदेशों से कुछ धन आय के योग और बाधा, गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से धन का नाश हो सकता है। यात्रा में आपने विशेष सावधानी बरतनी है, वाहन सावधानी से चलाना है। गोचर के मध्य में अचानक किसी दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। रुपए पैसे के लेन देन के मामले में आप सावधान रहें, अचानक किसी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। किसी प्रकार के गैर कानूनी काम में न लिप्त हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो। गोचर के अंत में पार्टनर के साथ मन मुटाव, धन का नुकसान और ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप की वजह से आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। राहु का उपाय करें। कन्या राशि के जातक बहते पानी में नारियल बहाएं। शनिवार के दिन राहु से संबंधी कोई परेशानी होगी तो उसमें कमी आएगी। विशेष करके राहु की महादशा अंतरदशा जिनको चल रही है उन्हें सावधान रहना चाहिए ज्यादा। तुला राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे प्रथम भाव में, प्रथम भाव में सूर्यदेव का विचरण मानसिक तनाव में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन पे बुरा असर पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में तनाव तथा व्यवसाय में आपको परेशानियों में वृद्धि हो सकती है। गोचर की शुरुआत में खर्च की अधिकता, विदेश व्यापार में सफलता और धन का नुकसान हो सकता है। इनकम आपको होगी लेकिन आपकी खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। गोचर के मध्य में नए योगा योग होंगे, पार्टनर के साथ मन मुटाव के योग बनते हैं और गोचर के अंत में विरोधियों के साथ सम्मानजनक संधि के योग बन रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों के साथ आपका जो चला आ रहा मन मुटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव होंगे द्वादश भाव में, द्वादश भाव में सूर्यदेव का विचरण कष्ट में वृद्धि और धन हानि के योग बनाता है। नींद की कमी आपको सता सकती है और खर्च की अधिकता से आपको मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। गोचर की शुरुआत में ऋण की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप ऋण लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ऋण मिल सकता है। स्वास्थ्य कुछ बेहतर आपका होगा। गोचर के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्या फिर उभरेगी, शत्रुओं से परेशानी में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन और अलगाव जैसे हालात बन सकते हैं। गोचर के आखिर में धन का नुकसान, किसी को रुपया पैसा आप देने से बचे। रुपया पैसा अगर आप देंगे तो वो पैसा आपका डूब सकता है और दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तनाव झेलना पड़ सकता है। तर्क वितर्क से थोड़ा बचे रहने की कोशिश करें। संतान की सफलता से हालांकि आपको खुशी मिलेगी और संतान की सफलता से पिता गर्वित होते हैं, माता पिता गर्व महसूस करते हैं, तो ये खुशखबरी है आपके लिए। वृश्चिक राशि के जातक हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। धनु राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे एकादश भाव में, एकादश भाव में सूर्यदेव का विचरण आर्थिक वृद्धि, आर्थिक लाभ करवाता है। गोचर की शुरुआत में कर्म स्थान पे सफलता, सम्मान वृद्धि, प्रेम संबंधों में सफलता के योग बनते हैं। गोचर के मध्य में अचानक धन लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, लेकिन अवैध संबंधों से बचे रहने की जरूरत है आपको। गोचर के अंत में जो व्यक्ति, जो मित्र कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, पेंटिंग,
हैंडीक्राफ्ट्स के काम किसी भी प्रकार की हस्तशिल्प से जुड़ी हुई कला से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभकारी समय है। अभिनय से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए सफलता और लाभ का समय रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप आपके लिए अच्छा रहेगा और सूर्य का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। मकर राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे दशम भाव में। दशम भाव में सूर्यदेव का विचरण कार्य सिद्धि करवाता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं और मकर राशि के जातकों के लिए बिल्कुल यही होने वाला है। पुराने जो काम रुके हुए थे, कुछ समस्याएं जो आपके वर्किंग प्लेस पे थी वो कम होंगी और वो समस्याएं खत्म होंगी और रुके हुए काम आप पूरे करने में कामयाब होंगे। पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, समाज में सम्मान की वृद्धि होगी। गोचर की शुरुआत में कर्मस्थान पे कुछ समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन लाभकारी स्थिति ही बनेगी। हो सकता है कर्मस्थान पे आपको तबादले का सामना करना पड़े, लेकिन ये तबादला जो होगा वो प्रमोशन के साथ आपको मिलेगा, यानी यूं ही तबादला नहीं होना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित आप हो सकते हैं। गोचर के मध्य में पारिवारिक जीवन परेशानी वाला हो सकता है और गोचर के आखिर में प्रॉपर्टी से संबंधित डील से आपको लाभ हो सकता है और परिवार में आनंद और खुशियां आपको मिलेंगी। कुंभ राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में सूर्यदेव का विचरण बहुत अच्छा नहीं होता। सूर्य कुंभ राशि के लिए सप्तमेश है, थोड़ी भाग्य की सहायता आपको मिलेगी ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन गोचर की शुरुआत में कर्म स्थान पे परेशानी, बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा और सरकार के साथ गवर्नमेंट के साथ किसी भी प्रकार का पंगा लेने की कोशिश ना करें, यानी किसी भी प्रकार के मामला मुकदमा से दूर रहने की कोशिश करें। गोचर की शुरुआत में आपको परेशानी हो सकती है। यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतनी है, वाहन आपने सावधानी से चलाना है। गोचर के मध्य में वासस्थान में परिवर्तन, साहस की वृद्धि, नए योगा योग और गोचर के आखिर में नए कामों से लाभ, धन वृद्धि, इच्छा पूर्ति, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध, छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा और आईटी सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के काम से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी समय रहने वाला है। छोटी यात्रा, वास स्थान में परिवर्तन। चलिए बात करते हैं आखिरी और मीन राशि के मित्रों के बारे में। तो मीन राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव में विचरण करेंगे। अष्टम भाव में सूर्यदेव का विचरण अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, कष्ट में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं है तो इस वक्त स्वास्थ्य और बिगड़ने के योग बनते हैं, यानी रोग लंबा खींचने के योग बन रहे हैं। गोचर की शुरुआत में ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप से आपके दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्या में कमी आएगी। गोचर के मध्य में अचानक धन प्राप्ति, सेविंग्स में वृद्धि और गोचर के आखिर में भी सेविंग्स में वृद्धि, पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, कर्म स्थान पे पुरानी समस्याओं का समाधान, गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर से कुछ लाभ के योग। क्या उपाय बताएं, अष्टम का सूर्य परेशानी वाला थोड़ा रहने वाला है। रविवार को बिना नमक का भोजन अगर आप करें, सूर्य जब तक तुला राशि में है तो चार रविवार आपको मिलेंगे। इन चारों रविवार को आप बिना नमक का भोजन अगर कर सकते हैं, चावल, मीठे चावल बना लीजिए, गुड़ से रोटी खा लीजिए, उपवास कर लीजिए, दूध रोटी खा लीजिए, दूध चावल खा सकते हैं, बस नमक का आपने, ये सिर्फ चार रविवार अगर आप फॉलो करते हैं मीन राशि के जातक तो समस्याएं कुछ कम होंगी। और सूर्य की महादशा तथा अंतरदशा से गुजर रहे हैं तो परेशानी आपको ज्यादा हो सकती है। तो ये था सूर्य का गोचर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज्ञा दीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।